सो आप लोगों के इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह सर, शुरू के जो आपने ड्रामे किए वो इतनी ज़बरदस्त टीम और इतना सब कुछ, और आप लोगों का एक ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छे ग्राउंड पे मिल गई जो आजकल तो इतना नहीं होता अवेलेबल। तो अब जब आप दोनों कुछ कर रहे होते हैं, मतलब जैसे खान में था या अभी भी जब आपका नया, तो प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ती होगी मुझे तो लगता है, फ्लो में जाते होंगे, इतना होता है ऐसा कुछ? लाइंस तो आपको पढ़नी पड़ती हैं और वो तैयार करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बीच में जो एक्सप्रेशंस हैं या जो चीज़ें हैं उसके लिए पूछने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि आजकल पड़ती है कि आपने आपने सीन में यूँ कर दिया तो मैं मुझे मालूम है अगर ये सीन में यूँ कर देगी तो मैं उस सीन में उस मोमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि हमने उसकी रिहर्सल की हो, आई गो आई होल्ड हर हैंड आई मेक हर सिट डाउन पास बैठ के बाद वो एक वो चीज नहीं फंसे नहीं हुए नेचुरल, वो एक आ गया फंसे नहीं हुए, वो एक नेचुरली एक कंफर्ट है, एक कंफर्ट है कि पता है दूसरे का पता है, और ये भी पता है कि व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग हमारी क्या लिमिटेशंस क्या हैं, हमने कहाँ तक जा सकते हैं, ऑडियंस कहाँ तक बर्दाश्त करेगी कहाँ तक नहीं करेगी, सेंसर कहाँ तक करेगा या पैमरा कहाँ तक करेगा कहाँ तक नहीं करेगा, सो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए वी आर देयर फॉर ईच अदर इवन इन द सीन्स एज़ वेल। या आई मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है जी बिल्कुल वो है, वो है, वो है, मुझे लग भी रहा था बिकॉज आजकल तो घबराते हैं सारे एक दूसरे से क्योंकि जो हालात, और वो उसमें कसूर हमारा अपना ही है बिकॉज हमने ही वो क्रिएट की हैं चीज़ें, बस सर पे खौफ सवार कर दिया लोगों के शऊर में, वो सारी चीज़ें हम खुद ही लाए हैं कि ये मूवमेंट भी है, ये मूवमेंट भी है, ये मूवमेंट भी है, फिर हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम डर रहे होते हैं दूसरे से कि कहीं ये कल को जिसका ये जिक्र कर रही थी मेरे पे ना लगा दे। सही बात है। तो इससे आपने माहौल खराब कर दिया पकड़ी, लेकिन मैं हो गया, सानिया हो गई, कपल ऑफ अदर वेमेन आई फ्रीक्वेंटली वर्क विद, अतीका हो, हम लोगों की ना एक, एक, एक वो क्या कहते हैं एक रूहानी कनेक्शन भी है समहाउ द अदर, वी आर कनेक्टेड, we don't have to say this we also you know we have an advantage, hamara advantage ye hai ki hum itne arse se ek dusre ko jante hain and tried and tested jo dostiyan hoti hai na usme aapka comfort zone set ho jata hai to wo nahi hai ki this Doubt person is aata. going to exploit me or this person is going to take it in the wrong sense we flirt we laugh we mazak karte hain but कभी एज अ वुमन आई टेल यू मेरे दिल में ये नहीं आता कि नुमान गलत मायने उठा लेगा उसका, यू नो अक्सर प्रॉब्लम औरत को क्या होती है, यही कह कह के मुझे इतना पक्का कर देती है कि मैं सोचता भी नहीं नहीं तो नहीं तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ मैन माइट मिसअंडरस्टैंड मे बी आई एम लीडिंग हिम ऑन, बट यहाँ पे शुक्र है इतना अरसा आफ्टर सच अ लॉन्ग फ्रेंडशिप तो आप यू टेक आप लिबर्टी ले सकते हैं फॉर लॉट ऑफ कि आप आजाद हो जाते हैं परेशानियों से, फिर आपके क्राफ्ट में और आपके काम में ना मजा आना शुरू हो जाता है बिकॉज ही एंड आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन स्क्रीन टुगेदर व्हिच मे बी नेचुरली वी वोंट डू विद अदर पीपल बिकॉज वी डोंट नो के हाउ दे विल फील और बिहेव। यस यस ट्रू, नहीं सही कह रही हैं आप। अच्छा एक सवाल आपसे अगर पूछूं, अगर इफ यू आर ओके टू आंसर, नो आई एम ओके टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ओके आई एम ऑनर्ड टू नो दैट। अच्छा अधिका जी ने बताया कि वो जब आप शादी करने वाले थे राबिया से अपनी वाइफ से, तो आपने उनको पहले बताया कि भई ये मेरी दोस्त है, इंट्रोड्यूस कराया। देखो बात बता क्या, हमारा एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है ना मीडिया के लोगों को स्पेशली कि आपने दोस्त से, अच्छा फिर ऊपर से एक इतना पक्का टीट किस्म का रोमांटिक प्ले और दूसरे में आप मियां बीवी भी कर रहे हो और आप लोगों को तो नहीं पता कि आप एक दूसरे की कितनी ज्यादा इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, लोगों के जहनों में तो फतूर के अलावा पहली चीज तो आता ही फतूर है, सो लोग इतने नेगेटिव हैं कि आ जाती है उनके जहन में एक सोच अप्रोच आ जाती है, तो उस चीज को डेफिनेटली होगी, तो मैं और मशहूर भी हुआ उस जमाने में बिकॉज लोगों ने देखा जी दो प्रोजेक्ट हम दोनों ने साथ किए हैं ये, तो वो मैंने उसको वैसे मैंने उसको कहा मैंने there is nothing to worry about she's a great friend and she's a kind of a person I can really rely on aur pareshan hone ki zarurat nahi baat mein bhi aap unko bolte rahe ya uske baad kabhi kuch aisa she's very comfortable with her and then I met Rabia phir he introduced me to Rabia because humne kaam bhi to karna tha na aage aur phir Rabia actually I don't know if you remember not Rabia ek do dafa Karachi aayi to khud Rabia came and met and spent time with me and like meri aur uski alag dosti hai na So even my son was there. So she said to him that ke agar kabhi koi masla hai tumhe bane so you take my number you call abhi bete ne mashallah kaam shuru kiya so kehne ka maqsad hai ke I told him I after going back
मैंने उसको कहा, मैं कहा यार कोई मसला हो यू कैन इजीली कॉल हर अप, शी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. सो यू सी ये काम, या कितने लोग हैं जो मीडिया में ये इस तरह इतने एतमाद से एक दूसरे के लिए कह सकते हैं मैं गारंटी लिख के देता हूँ नहीं होंगे, बहुत कम. और इसीलिए हम कर भी रहे हैं इंटरव्यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी दोनों की कॉमराडरी है. और फिर मैं माशाल्लाह सारे खानदानों से भी मिला, तो ये भी मेरे लिए बड़े एजाज में सारे खानदानों से आप अप्रूव करते थे पहले, आपसे आती थी. मजे की बात है, सेमी, आई मेट सेमी जी, और सेमी जी इज अ लवली डार्लिंग ह्यूमन बीइंग. मैं उनको छेड़ा था, हम एयरपोर्ट पे मिले ना, तो अतिका वॉज विद सैमी जी, तो मैंने सैमी जी को, मैं सैमी जी कम अज़ कम तुम मैनू फोन करके ही पुछ लेंगे. अच्छा मुझे बताएं, जब आप अतीका जी को शुरू में देख रहे थे सिंगल मदर स्ट्रगलिंग, क्या आपको उस वक्त ख्याल आता था? मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं, और मुझे मालूम है द रीजनिंग ऑफ वट एवर हैपेंड इन हर लाइफ एंड एवरीथिंग. सो इट वाज ऑलरेडी इन माय नॉलेज एंड आई वाज फीलिंग बैड कि शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये भी बड़ी दबंग खातून है. और मैं इसीलिए ये बल्कि बर्मला कहता हूँ हर जगह बैठ के, क्योंकि एक्ट हमारी एक एसोसिएशन ही है. आपको अगर हमें किसी लीडर की जरूरत है ना, तो ये है द राइट पर्सन, बिकॉज हमारे उस बंदे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पे खड़ा होकर हमारे हक में इस तरह की बात कर सके. तो शी इज द ओनली वन हु कैन से सो एंड डू सो. नहीं, सही कह रहे हैं आप. और मुझे पता है टाइम आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है स्टोरियां सुनते हुए. और शायद हम दोबारा कभी चांस हुआ तो खाने बुलाओ, तो इंशाल्लाह इसी तरह और स्टोरियां सुनाइए. मीर बालाज एंड शाहताज, माय फेवरेट. आई वाज इन लव विद द यू नो ऑन स्क्रीन कपल एट दैट टाइम आल्सो. और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि जाके देखना चाहिए वो ड्रामा, यू नो कितना खूबसूरत उसमें एक्चुअली ट्रेडिशनल वो बहुत ऐसे बनते नहीं है, अभी भी नहीं बनते. उसका एक बेहतरीन पार्ट द अदर डे वी गाइस वर डिस्कसिंग, उसके 60 बंदों का क्रू बैठा हुआ था गवादर में, जिसमें से 30 क्रू के लोग थे और 30 एक्टर्स थे. सो रोज सुबह दो ग्रुप्स बनते थे, सो दो टीमें बनती थी. एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था. और दोपहर का खाना सुबह 5, 5:30, 6, 7 बजे हमारे साथ लोकेशन पर जाता था. और जब हम खाना खा रहे होते थे तो रोटी एक दूसरे को पकड़ा के खींच के तोड़ते थे, गर्म तो आपने क्योंकि बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे आगे गए हुए हैं. तो वो कितना हार्ड वर्क, वेरी ना हार्ड वर्क है, और उसका सिला भी कितना मिला, कितना हार्ड वर्क, मेहनत थी. अब जो है, अब उस जमाने में रिफ्रेशमेंट का दौर नहीं था, अब तो सेट पे रिफ्रेशमेंट्स भी मिलती हैं और उसके बावजूद एक्टर नाखुश है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं. लास्ट सवाल मेरा आप लोगों से, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने देखा है 47 की जो शूटिंग थी 47 में, वो पार्टी जन अम्मी करवाई थी.